भंडारा जिले के गोसे बुजुर्ग गांव में कई सालों से डैम का पानी कई जगह से लीकेज होने से पानी गांव में आने का खतरा बढ़ गया है। इसी के चलते युवा स्वाभिमान पार्टी ने निवेदन दिया। इसके चलते एनबीसी न्यूज वहां पहुंची तो गांव वालों ने गांव की समस्या बताई और गुस्सा विधायक और सांसद के ऊपर भी दिखाया है। भंडारा जिले के गोसे डैम में 50 मीटर के नजदीक ही गोसे बुजुर्ग गांव होने से डैम का पानी कई महीनों से लीकेज होने से लीकेज में गहरा होल हो गया, जिससे पानी जोरों से गांव की तरफ आ रहा है, जिससे गोसे बुजुर्ग 1500 लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। जब बीसी न्यूज की टीम गांव पहुंची तो गांव वालों ने हकीकत बयां की और कहा कि जब से विधायक और सांसद चुन के आए तब से अभी तक गांव में नहीं आए, अगर उन्हें कोई ढूंढ के लाएगा तो गांव की तरफ से लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। ये 3 साल से हमारा यहाँ पे आमदार और खासदार और कोई भी मंत्री आके यहाँ पे देखा नहीं है, बराबर है। आमदार और खासदार को जो भी आदमी ढूंढ के लाएगा उसको हम हमारे गांव की तरफ से बहुत बड़ा इनाम देंगे और उसके उपकार भी हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके विधायक कौन है और सांसद कौन है? अच्छा, नरेंद्र भुंडेकर विधायक है और सांसद सुनील मिंडे साहब सांसद। आपका गांव कौन सा गांव है और क्या समस्या है सर? गोसे बुजुर्ग, हमारा गांव का नाम है गोसे बुजुर्ग और हमारी समस्या यह है कि जो डैम जो बना है और जो भंडारा से नदी से जो पानी आता है वो डायरेक्ट फ्लू करके हमारे गांव के पास जो पहाड़ बनी है उसको टकरा के फिर वो डैम पे जाता है। सर, अभी तक कोई विधायक आपके क्षेत्र में आया नहीं क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। थैंक यू सर। इतने बार समस्या बता के सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद में कोई नहीं आता। सिर्फ हमारे को 5 साल में एक ही बार विधायक आमदार, ये सिर्फ हमको 5 साल में एक ही बार चेहरा दिखता है। उसके बाद में हम गांव वाले या मरे या बचे उसका कोई उनको जिम्मेदारी नहीं, उनका कुछ लेन देन नहीं। और वो कभी इस भाग में कभी हमारे साथ शामिल होते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इधर से। हम अभी 5 साल से सरपंच हैं और हमने जो आमदार है उन्होंने भी हमारा मतलब सपोर्ट नहीं किया है। हम ही मतलब आमदार कौन है? आमदार नरेंद्र भोंडेकर जी हैं और एक बार भी उन्होंने ये समस्या नहीं मतलब सुलझाई है। और हमारे गांव में चुनाव होने के बाद से कभी हमारे गांव में भी आए नहीं कि आप कैसे हो, क्या है और क्या समस्या है, ये भी नहीं जाना है। और अभी पिछले साल इतना मतलब बारिश आया और पूर भी आया था, तभी भी हमारे गांव वालों को पूछा नहीं कि कैसे हो या क्या हो, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे जो गांव के लोगों की समस्या है वो पूरी क्यों करें। भंडारा से बीसी न्यूज के लिए सुरेंद्र चिंधालोरी की रिपोर्ट।